वेलकम टू द रेस्टोरेंट सर। मेरा आज ना पर्स चोरी हो गया और मेरे फोन की बैटरी भी डेड हो चुकी है, कि अगर मैं अभी खाना ऑर्डर कर दूं लेकिन पैसे कल दे दूं। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और खाना खाना है एसी में बैठकर। चल निकल बाहर यहाँ से। वेलकम टू अवर रेस्टोरेंट। क्या खाना पसंद करेंगे आप? हाँ, मेरा ना पर्स चोरी हो गया है। मैंने आश्रम में खोला हुआ है, चल यहाँ से। गाड़ी कहीं का? अरे कचौड़ी वाला, इससे जाके पूछता हूँ, लेकिन अगर इसने भी होटल वाले की तरह मना कर दिया तो चलो कोई नहीं, पूछ के देखता हूँ। नमस्ते भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, हाफ प्लेट लगाओ या फुल प्लेट? ये एक्चुअली मैं ना, मेरा पर्स चोरी हो गया और मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे आप खाइए ना, आपको भूख लगी है ना? एक्चुअली मैं अगर खाता नहीं हूँ ना, मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। अरे अरे आप जल्दी लीजिए, मैं बना के देता हूँ, पैसे में बिल्कुल चिंता मत करिए। लेकिन भैया मैं आपको अभी पैसे दे नहीं पाऊंगा तो। अरे अरे कोई बात नहीं, आपको भूख लगी है, आप खाइए। अरे पैसों की चिंता मत करो आप, आपकी भूख मिटनी ज्यादा जरूरी है, आप मन भर के खाइए। मैं समझ लूंगा किसी भूखे को खिलाकर पुण्य कमा रहा हूँ। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता भी नहीं है कि मेरी भूख मिटाकर आपने मुझ पर कितनी बड़ी मेहरबानी की है। मैं आपको कल पैसे दे दूंगा भैया, चलेगा? अरे भैया, इंसान की भूख से बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। कमाल है भैया, जिनके पास बहुत है वो मदद नहीं करते और जिनके पास कम है उनका दिल इतना बड़ा है। देखिए भैया, हम तो खुद के जिम्मेदार हैं, दुनिया कैसी है कैसी नहीं है हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन भैया मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। नो प्रॉब्लम भाई साहब, आप खाइए। अरे कुछ भाड़ा किराया चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं भैया, हो जाएगा। धन्यवाद भैया। हाँ ठीक है, रोकना भाई। नमस्ते भाई साहब, पहचाना? अरे आपको क्यों नहीं पहचानेंगे, कल तो आए थे ना आप। ये कल के कचौड़ी के पैसे आपके? अरे नहीं, अरे रखिए भैया रखिए। अरे रखिए, अरे भैया रखिए, आप प्लीज रखिए ना, आप इतनी मेहनत से कमा रहे हो। और बहुत बहुत शुक्रिया कल भूखे को खाना खिलाने के लिए, आप आइए मेरे साथ। अरे भाई साहब कहाँ ले जा रहे हो आप? अरे आप विश्वास रखो, आप बैठो बिना डरे, आप बैठो बैठो, चिंता मत करो। ये देख रहे हो तो बड़ा शानदार ढाबा है, तो बहुत बड़ा है भाई साहब। ये ढाबा आज से आपका। भाई साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, पर मैं ये ले नहीं सकता, आपको इंसानियत के नाते खाना खिलाना मेरा फर्ज था, उसके बदले ये देकर आप मेरी इंसानियत पे सवाल कर रहे हैं साहब। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन आप मुझे खुद बताओ आज के जमाने में कौन बिना पैसे लिए किसी की मदद करता है? इतनी गर्मी में जब भूख से मेरी हालत खराब हो रही थी, अरे मैं तो गिरने वाला था, तब आपने मुझे मुफ्त में खाना खिलाया, क्या ये छोटी सी बात है? आपने वो कहावत सुनी है, कर भला सो हो भला। इस दुनिया में आप जो भी अच्छे कर्म करते हैं ना, वो एक ना एक दिन हजार गुना होके आपके पास वापस आते हैं। नहीं नहीं भाई साहब, मैं इसको नहीं रख सकता भाई साहब, भगवान ने जो कुछ दिया मैं उसे बहुत खुश हूँ भाई साहब, आप प्लीज अब इसे रख लीजिए भाई साहब। भैया अपना भाई समझ कर रख लीजिए, नहीं तो मैं कभी भी आपके यहाँ से खाना नहीं खाऊंगा। रख लीजिए भाई रख लीजिए, ये ढाबा आपका है, कल यहाँ सारा सामान आ जाएगा और आप कल से यहाँ काम शुरू कर सकते हैं। अब आपको साइकिल पर दिन रात कचौड़ी बेचने की जरूरत नहीं। अरे क्या कर रहे हो? गले मिले भाई, गले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।